हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम 2 से 3 ईयर्स ओल्ड बेबी के लिए यह बेबी फ्रॉक बना रहे हैं। फैब्रिक हमारा कॉटन का है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक ज़रूर करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। आइए अब हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए ये मैंने 4 फोल्ड कपड़ा लिया है। हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग कर रहे हैं। फैब्रिक की लेंथ हमारी 9 इंच की रहेगी और इसकी विड्थ हम 7 इंच की लेंगे। यहाँ पर मैं शोल्डर 4 इंच पर लूँगी और इसके आर्म होल हम 4.5 इंच के लेंगे। चेस्ट हम यहाँ पर 6.5 के लेंगे और इसका बॉटम पार्ट भी हम 6.5 का ही लेंगे। इस तरह से हम इसका निशान लग नेक का निशान में 2.5 इंच पे लगाऊंगी विड्थ का और इसकी लेंथ लूंगी मैं 3 इंच की। ये हमारे फ्रंट पार्ट की रहेगी और बैक पार्ट फ्रंट पार्ट हम इक्वली कट करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा 2 पॉइंट का तिरछा देके हम गले पर गोलाई का शेप दे देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कट के तैयार है। अब हम बैक पार्ट पर 2 इंच का कट लगाएंगे जो कि हमारे हुक के लिए होगा। अब हम इसके घेर की कटिंग करेंगे। घेर की कटिंग करने के लिए ये 2 पीस लिए हैं मैंने। इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। ये 4 फोल्ड हो गया है 2 पीस के। इसकी लेंथ हम लेंगे 12 इंच की और इसकी विड्थ रहेगी हमारी 17 इंच की। अब हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम हुक की पट्टी तैयार करेंगे। इसमें मैंने कपड़ा ऐड करके इसको भी हमने कट कर लिया है। यहाँ मैं बारीक बारीक कट्स लगा दूंगी और इसे मैं पलट लूंगी। इस तरह से हम पलट के इसको अंदर की साइड कर लेंगे और इसको ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम दोनों शोल्डरों को अटैच कर लेंगे। यहाँ से यहाँ हम दोनों शोल्डर अटैच करेंगे। अब हम गले की पट्टी तैयार करेंगे। गले की पट्टी तैयार करने के लिए मैंने तिरछा कपड़ा कट किया है। इसे इक्वली से कट कर लेंगे और एक साइड से इसे फोल्ड कर लूंगी मैं। इसे खींचते हुए हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। एंड तक हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे कपड़े में। और अब हम इसे यहाँ से जहाँ पे हुक का हमने कहा था इस तरह से फोल्ड करके पूरी गोलाई में इसकी सिलाई लगा लेंगे। इस आगे थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे हम और पूरी गोलाई में इसको सिल लेंगे। यह सिलाई लगाने के बाद इसमें हम बारीक बारीक कट्स दे देंगे और अब हम इसे इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से पाइपिंग निकाल लेंगे और बारीक किनारी पे हम बारीक सिलाई लगा लेंगे। यह हमारा गला बनके तैयार है। इसी प्रकार हम दोनों आर्म होल पर भी पट्टी लगा लेंगे। यह आर्म होल पर भी हमने पट्टी तैयार कर ली है और यहाँ पर भी हम बारीक बारीक कट्स दे देंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। अंदर की साइड हम इसे फोल्ड करके इसके ऊपर भी हम किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम दोनों आर्म होल पर पट्टी लगाकर पाइपिंग तैयार कर लेंगे
यह हमारे दोनों हार्मोन पर हमने पाइपिंग लगा ली है। इस तरह से हमारा यह टॉप पार्ट तैयार है। अब हम इसमें फिल लगाएंगे। फिल लगाने के लिए मैंने यह दो स्ट्रिप ली है जिसकी विड्थ 3 इंच की है और लेंथ हमारी इसकी 30 इंच की रहेगी। जितने भी साइड में हमें पाइपिंग लगानी रहती है उससे डबल हम कपड़ा लेते हैं। एक साइड से इसे मैंने यह फोल्ड कर लिया है और ऊपर की साइड से हम इसमें बड़ी सिलाई लगा लेंगे। ऊपर की साइड हम बड़ी सिलाई लगा लेंगे जिससे हम अपनी गैदरिंग कर सकें। सिलाई लगाने के बाद हम एक धागे को पकड़ के खींच लेंगे और इसमें बारीक बारीक हम इस प्रकार से सल लगा देंगे। यह सल लगा के हम इसे तैयार कर लेंगे और अब हम टॉप पार्ट पर यहाँ नीचे की ओर 3 इंच का निशान लगाएंगे। साइड से हम 3 इंच पर निशान लगा के ऊपर की साइड हम इसकी लाइन खींच लेंगे। इक्वली हम लाइन खींच लेंगे, सीधी सीधी लाइन खींचते जाएंगे और हम पीछे की साइड भी 3 इंच पर मार्क करके वहाँ तक सीधी नीचे लाइन को खींच लेंगे। जहाँ हमने लाइन ड्रॉ करी है वहाँ पर हम यह फिल उल्टी रखकर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। और आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो और लाते रहेंगे। इस तरह से हमने यह फिल तैयार कर ली है। हम सेकेंड साइड भी इसी तरह फिल लगा के हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। ये दोनों साइड हमने फिल लगा ली है। इधर भी 3 इंच का गैप दिया था और अब हम इसके बॉटम पार्ट में एक बड़ी सिलाई लगा लेंगे। एंड तक हम इसमें बड़ी सिलाई लगा लेंगे। बॉटम पार्ट में भी हमें गैदरिंग करनी है इसलिए हम आधा इंच छोड़कर नीचे की साइड इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और ये धागे को पकड़कर हम कपड़े को खींचते हुए इसमें बारीक बारीक सल लगा लेंगे। हमें इतने सल लगाने हैं कि हमारा जो टॉप पार्ट का बॉटम पार्ट था उसके इक्वली यह हो जाए। यह हमने इसमें सल लगा लिए हैं और हम टॉप पार्ट के को इस तरह से उल्टा रख लेंगे और इस पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्टों पर हम इसी तरह सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेंगे। ये दोनों साइड हमने सिलाई लगा के इसे तैयार कर लिया है। अब हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। उल्टी साइड से सीधी साइड हमारी अंदर की ओर रहेगी और उल्टी साइड ऊपर की रहेगी और हम फिटिंग की सिलाई साइड की लगा लेंगे। दोनों साइड हम फिटिंग की सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप सभी से निवेदन है कि आप इसे लाइक करना ना भूलें। यह हमने साइड की फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसके नीचे के पार्ट पे डबल फोल्ड करेंगे और पूरी गोलाई में इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी फ्रॉक बनके तैयार है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत ही इजीली तरीके से आपको ये बनाना बताई है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पीछे की साइड हम इस जगह पर हुक और आई लगा लेंगे जिससे कि बच्चों को गले में आसानी से आ जाए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।